भागलपुर शहर में सोमवार को ई रिक्शा चालकों की हड़ताल से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राहगीर घंटों ई रिक्शा के इंतजार में सड़कों पर खड़े रहे। ई रिक्शा चालकों ने जिला प्रशासन द्वारा लागू की गई कोडिंग व्यवस्था के विरोध में चक्का जाम कर दिया। दरअसल पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भागलपुर टोटो यूनियन संघ के आह्वान पर सोमवार को बड़ी संख्या में टोटो चालकों ने तिलका मांझी चौक को घंटों जाम कर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ई रिक्शा चालकों ने लागू की गई कोडिंग व्यवस्था को रद्द करने की मांग की। टोटो चालकों का कहना था कि कोडिंग व्यवस्था उनके हित में नहीं है, कोडिंग के कारण उन्हें सवारियां नहीं मिल रही है जिससे उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है। वहीं जाम और हंगामे की सूचना मिलते ही सदर एसडीओ धनंजय कुमार और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी मौके पर पहुंचे और टोटो चालकों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन टोटो चालक नहीं माने। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने हंगामा कर रहे कुछ टोटो चालकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां देर शाम सभी को छोड़ दिया गया। वहीं हड़ताल के कारण आम जन को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा और शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही। बहुत तरह का अभी भी जिसको मौका मिलता बोलता 2002 तक कोडिंग कर रही है। अभी भी बोल रहे हैं। क्या नाम क्या हुआ आपका? और सुप्रीम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या क्या नौ सुप्रीम मांग है? कोडिंग हटाई है, ड्राइविंग लाइसेंस फ्री हो, और अगर एक्सीडेंट में कोई ड्राइवर मरता है तो 10 बाल बच्चे के भरण पोषण के लिए 10,00,000 रुपया मुआवजा दे। और अभी जो प्रशासन कार्रवाई शुरू की है, हर रोज मैंने दर्जनों रिक्शा वाले को फाइन कर रहा है लाखों रुपया, जबकि इसको कमाई नहीं है, पेट चल रहा है, आप दंड दे रहे हैं उसको। कोडिंग का क्या मामला है? मामला है कोरोड का। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सोमवार को श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर डीएम नवल किशोर चौधरी, एसएसपी आनंद कुमार ने जिला एवं प्रखंड के सभी अधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट एवं कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने नगर परिषद सुल्तानगंज को शहर में साफ सफाई व्यवस्था और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। वहीं डीएम ने पीएचडी विभाग के अधिकारी को भी 100 समय काम पूरा कर लेने का निर्देश दिया। डीएम नवल किशोर चौधरी ने बताया कि श्रावणी मेला की तैयारी के लिए गंगा घाट का निरीक्षण किया गया है, जहां पानी, बिजली, शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था सुधारने के कार्य किए जा रहे हैं। डीएम ने कहा कि सभी कार्य समय से पहले पूरे हो जाएंगे और कांवरियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। डीएम ने जर्जर सड़कों के संबंध में बताया कि उसे भी समय से पहले ठीक कर लिया जाएगा और पार्किंग व्यवस्था को 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में किया जाएगा। वहीं भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने भी कांवरियों की सुरक्षा के सवाल पर बताया कि इस वर्ष श्रावणी मेला में भीड़ अधिक होने की संभावना है, इसलिए सुरक्षा बल को गंगा घाट से लेकर कांवरिया पथ तक बढ़ाया जाएगा। वहीं गंगा घाट में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे और 24 घंटे सुरक्षा बल तैनात किए जाने की एसएसपी ने बात कही। निरीक्षण के दौरान डीडीसी कुमार अनुराग, एसडीओ धनंजय कुमार, बात थाना अध्यक्ष कन्हैया झा, वीडियो संजीव कुमार सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अभी अब मैं एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष के साथ साथ हमारे समस्त प्रशासन की टीम ने सर्वे किया है और हम लोग श्रद्धालुओं को जितनी अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकते हैं उसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि घाट से लेकर के और श्रद्धालु को जितनी मूलभूत सुविधाएं, जैसे शौचालय है, पीने के पानी की सुविधा है, बिजली है, साथ ही उनका जल पात्र कैसे आएगा और जो है कांवर की सुरक्षा कैसे होगी, इसके अतिरिक्त हम लोग सीसीटीवी कैमरे हैं जगह जगह पे, प्लस सीवरेज वाटर को प्रॉपर्ली चेक करके हम लोग अंदर डालें, इसके साथ ही हम लोग बैरिकेडिंग पे, इन सभी पहलुओं पे हम लोग विचार कर रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी पूरी टीम
सभी लोग मिल करके सब आदमियों को मजबूत शरीर सुविधाएं मुहैया कराया। और देखिए NHAT में काम स्लो है, जिसको हम लोग एक्सपेडाइट करा रहे हैं, और जो टीम है, टीम ने कमिट किया है कि 30 जून से पहले हम लोग वाटर एम्बुलेंस को बना देंगे। और इसमें हम सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो सड़क बनी हुई है उसको उखाड़ करके उसको करेक्ट करना, उसमें ट्रैफिक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ट्रैफिक भी हम लोग को पढ़ने का वेट कर रहे हैं और अपनी टीम से मॉनिटरिंग भी करा रहे हैं। 30 दिन से पहले टीम ने आश्वासन दिया है कि काम सही तरीके से। पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर के हमने कहा है कि 10 से 12 बोर किए जाएं और उसके ऊपर ही, बोर के ऊपर ही वहीं पे हम टैंक लगा दें, ताकि आम हमारे कांवरिया श्रद्धालु हैं उनको सीधा पानी टैप। जो देखिए अभी श्रावणी मेला 2024 के प्रारंभ होने में 40-42 दिन बचा हुआ है, और उसी के दृष्टिगत रखते हुए हमारे और DM साहब के द्वारा और सभी पदाधिकारियों के द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है, तैयारी हो रही है, और कितने बल की आवश्यकता होगी उसका आकलन भी किया जा रहा है। क्योंकि पिछले बार जो श्रावणी मेला था वो 2 माह तक चला था, तो इस बार 1 माह का मेला होगा। तो इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो श्रद्धालुओं की संख्या होगी कुछ ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से बल का आकलन किया जा रहा है और उनके ठहराव स्थल को भी चिन्हित किया जा रहा है। जितने भी पार्किंग स्थल हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, वो भी वहाँ पर जो भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी है उसकी सारी तैयारी हो रही है। और हम लोग का लक्ष्य है कि जो श्रावणी मेला के जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो सुगमतापूर्वक आएँ और अच्छे से यहाँ से जल लेकर बाबा का दर्शन करें। वहाँ पर भागलपुर सुल्तानगंज के नई दुर्गा स्थान प्रांगण में श्रावणी मेला को लेकर जन संसद के बैनर तले एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का नेतृत्व जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने किया। बैठक में विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया और श्रावणी मेला के दौरान जिला प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श किया गया। जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने बताया कि सरकार ने अब तक श्रावणी मेला को कॉरिडोर बनाने पर कोई विचार नहीं किया है, जिससे कांवरियों को असुविधा हो सकती है। उन्होंने बताया कि महिला अस्पताल अब तक चालू नहीं किया गया है और श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेले का भी दर्जा नहीं दिया गया है। वहीं NH-80 सड़क मार्ग की जर्जर स्थिति को लेकर भी जन संसद के संरक्षक ने चिंता जताई है। इस दौरान जिला पदाधिकारी से कांवरियों की सुविधा के लिए सड़क मार्ग, पार्किंग स्थल और महिला अस्पताल को जल्द से जल्द चालू करने की मांग की गई। बैठक में अफरोज आलम, विभूति यादव, विनोद रजक, प्रकाश आठ, डॉक्टर श्याम सुंदर सहित सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन के लोग मौजूद रहे। हम लोगों ने देखा कि जैसे पिछले साल 2 महीने का मेला हुआ और पूरा रोड 4-4 दिन 5-5 दिन खाली है, लेकिन रोड पे कोई अपना सामान नहीं ले जा सकता, कोई कुछ ले नहीं जा सकता। एक टीम ऐसी बननी चाहिए जो कि लगातार मेला को सुपरवाइज करे, और मेला में जो तमाम तरह की परेशानियां आ रही होती हैं उसका समाधान भी करे। और इसके लिए नागरिक के तरफ से, व्यवसायियों की, जैसे हम लोग के देखिए यहाँ पर व्यावसायिक समूहों के भी लोग बैठे हुए हैं, उनको उस कमिटी में रखना चाहिए। फिर एक बड़ा मसला होता है गंगा घाटों के एडमिनिस्ट्रेशन का मसला, बड़ा मसला होता है, क्योंकि गंगा घाट पर जो है यात्रियों को सबसे ज़्यादा सुविधा की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ जो परेशानी आती है वह आती है कि चोरी का मसला होता है, उनके साथ चोरी होती है। और चूँकि बाहर से आए लोग रहते हैं, किसी का सामान अगर चोरी हो जाता है तो दुख की बात है। और हम लोगों ने देखा कि प्रशासन के साथ मिलकर काम करने पर, तो हम लोगों ने इस विषय को, चोरी के विषय को 100% में 90% तक हल कर दिया। 10% समस्या रह गई, वो भी समस्या इसलिए रहती है कि रेलवे, लोकल पुलिस और स्थानीय लोगों का एक बेहतर समन्वय में आज भी कुछ कमियां रह जाती हैं। और हम लोगों ने जो कुछ प्रयोग भी किए थे कोरोना से पहले, वह प्रयोग काफ़ी सफल रहा, यहाँ के तमाम लोग जानते हैं। भागलपुर सुल्तानगंज के AK गोपालन कॉलेज में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के छात्र एवं छात्राओं के लिए वेलफेयर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कॉलेज की कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार ने किया।
इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, नगर उप सभापति नीलम देवी, जिला परिषद सदस्य आशा जायसवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद छात्राओं की ओर से स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। वहीं छात्राओं के द्वारा कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि ने एनटीटी के छात्र एवं छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य मनुजेंद्र कुमार मंटू, अजय कुमार, डॉक्टर समीर कुमार, धीरेन्द्र दास, संगीता कुमारी सहित अन्य छात्र एवं छात्राएं मौजूद रहे। एक अच्छा भी लग रहा है कि नए जगह जाने का खुशी भी, और एक तरह से दुख भी है कि यहाँ सभी को छोड़ के जाना पड़ेगा। शिक्षक महोदय, मेरे सभी सहपाठी, प्रशिक्षक शिक्षक, मेरे पिछले वर्ष के जो भी अभी नए वर्ष में जाएंगे, उन सभी को छोड़ने का दुख भी हो रहा है और खुशी भी है कि नए जगह जाएंगे, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। पर सर लोग का आशीर्वाद हमेशा हम लोग पे बना रहे ताकि हम लोग कुछ अच्छा करें।